दोस्तों आज फिर से एक बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि PSEL का ऑनलाइन रिफंड फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है, जिसका लास्ट डेट 30 अप्रैल था, बढ़ाकर 30 जुलाई कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 2 महीने का डेट और बढ़ा दिया गया है। अब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म बिना किसी समस्या के भर सकते हैं। यह निर्णय RM लोढ़ा कमेटी के द्वारा लिया गया है, यह देखते हुए कि अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया था। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब कमेटी के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि केवल फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी तक लोगों को यह बताया जा रहा था कि जिन लोगों का फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, जैसे कि बॉन्ड धारक की मृत्यु हो गई है या फिर नाम बदल गया है या फिर किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, तो उनको 30 अप्रैल के बाद नोटिस जारी करके बताया जाएगा आपको फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन जिस प्रकार से डेट बढ़ा दिया गया है और यह नहीं लगता है कि ऐसा कोई नोटिस जल्दी जारी किया जाएगा, क्योंकि जब तक कि फर्स्ट फेज का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऐसी कोई फॉर्म भर पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं उन सभी सवालों पर जो कि अभी भी बहुत से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु हो चुकी है तो क्या उन मामलों में नॉमिनी के द्वारा आवेदन किया जा सकता है? मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत नामनी किसी प्रकार का आवेदन नहीं कर सकता है और यह आवेदन कब से चालू होगा अभी भी किसी प्रकार से क्लियर नहीं है। यदि PSEL बॉन्ड और पैन कार्ड पर नाम अलग अलग है तो क्या आवेदन कर सकते हैं? यदि आपके PSEL बॉन्ड और पैन कार्ड और बैंक के तीनों के नाम अलग अलग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते टाइटल में बदलाव होना चाहिए, ना कि पूरा नाम बदल जाना चाहिए। पैन कार्ड का नाम डालना और जिसका बॉन्ड का नाम डालना है वो अलग अलग पूछा गया है। यदि बॉन्ड किसी बच्चे के नाम से है जिसके पास ना तो पैन कार्ड है और ना ही बैंक पासबुक है, तो वह कैसे अप्लाई कर सकता है? जिसके पास पैन कार्ड और बैंक पासबुक नहीं है वह बच्चों का पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, तो अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीना बढ़ा दिया गया है, तो आप उसे जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। पैसा कब लौटाया जाएगा और क्या पैसा ब्याज के साथ लौटाया जाएगा? पैसा कब लौटाया जाएगा यह तो अभी तक नहीं बताया जा रहा है कि अगर फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से डेट को बढ़ा दिया गया है 2 महीना और आगे, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि पैसा कब दिया जाएगा और पैसा आपको ब्याज के साथ दिया जाएगा या फिर नहीं, यह डिसीजन अभी कमेटी के द्वारा नहीं लिया गया है। यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट PSEL को सौंप दिया हो और निवेशक के पास केवल PSEL द्वारा जारी किए गए एक्नॉलेजमेंट नंबर ही हो तो क्या वह ऐसे में धन वापसी आवेदन कर सकता है? क्या धन वापसी हेतु आवेदन करते समय PSEL के प्रमाण पत्र की बजाय वह अपने बॉन्ड वाले नंबर की पर्ची अपलोड कर सकता है? ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफिस में जमा कर दिया गया है और उसके बाद आपके पास केवल एक प्रति बची हुई है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों का आवेदन करने के लिए अभी किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं हुआ है। यदि निवेशक ने PSEL के पास दस्तावेज जमा करके PSEL लिमिटेड से कर्ज लिया हो तो ऐसी स्थिति में धन वापसी हेतु आवेदन कर सकते हैं? अगर आपने कंपनी में बॉन्ड के लोन लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास उसका जीराक्स कॉपी है तो। अधिक से अधिक कितनी रसीदें अपलोड की जा सकती हैं? रसीद अपलोड करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं लगाया गया है, आप उन सभी रसीदों को अपलोड कर सकते हैं जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। यदि यह मैसेज आए कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार PSEL का यह नंबर मौजूद नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आप ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको मेल करना है nodalofficer@psel.sebi.gov.in पर। प्रश्न पूछने और शिकायत करने के लिए मैं कहां संपर्क करूं? प्रश्न पूछने और शिकायत करने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर 02261216966 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमने लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं।